हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसे आप बड़े प्यार से पोएम भी कह सकते हो, प्रेयर भी कह सकते हो, वो है स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट, जिसका नाम है सर्वत्म का शिव सुंदरा। इसका मतलब है महान ईश्वर। इसे लिखा गया है विष्णु वामन शिरवाटकर जी ने। और देखा जाए तो पोएम या प्रेयर, आप जो भी कह सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक एक स्टैंजा रीड करके एक्सप्लेन करूँगा। मुझे पता है ये हाई लेवल मराठी है, काफ़ी बच्चे जो मराठी में वीक है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये पोएम या ये प्रेयर, आप कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, वो आपको मैं सरल भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सर्वात्म का शिव सुंदरा स्वीकार या अभिवादना, तिमी रातुनी तेजाकड़े प्रभु आमुच्या ने जीवना। ओके, तो मैं ये दो लाइन रीड किया हूँ, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दो लाइन्स में पोएट सिंपली यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भगवान इतने सुंदर और पवित्र हैं कि उनका नमन करने का मन कर रहा है, और पोएट सिर्फ इतना ही चाहते हैं नमन करते हुए कि भगवान उनको स्वीकारे। फिर पोएट आगे ये भी कहते हैं कि भगवान इतने महान हैं कि जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है उनकी ज़िंदगी उजालों से भर देता है, और जो लोग अज्ञानी यानी कि इग्नोरेंस फील करते हैं उनको ज्ञान का रास्ता दिखा देता है। अब हम आगे बढ़ते। सुमना तू गगना तू तारिया मदे फुलतोस तू सद धर्म जे जगता मदे सर्वा त्या वस्तुस्तु चेही कड़े रूपे तुझी जाने ही माजा मना। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि भगवान हर फूलों में, आसमान में, तारों में चमकते हुए और हर उस इंसान के धर्मों में उनका अस्तित्व है, और हमें बस सभी ने इतना अवेयर होना चाहिए कि आसपास की चीज़ों में भी क्यों ना भगवान बसा हो, तो इतना हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ये इस स्टैंजा में बताने की कोशिश की है। ओके, श्रमतोष तू शेता मदे तू राबसी श्रमिका सवे जे रंजले वा गांजले पुस्तोस त्यांची आसवे स्वार्थ विना सेवा जिते तिते तुझे पद पावना। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में अगर आप देखें तो पोएट सिंपली फार्मर्स जो होते शेतकरी, उनको भगवान का रूप मानते हुए कहते हैं कि किस तरह से शेतकरी खेती करता है और उनके मेहनत के कारण आज हम अपना दो वक्त का खाना खा सकते हैं, पहली बात। सेकेंडली वो कहते हैं कि दुखी पीड़ित लोगों के आंसू पोंछता है भगवान। थर्डली वो ये कहता है कि जो लोग दूसरों को खाना देते हुए सेवा करते हैं वहाँ भगवान जी के पैरों के निशान हमेशा के लिए रहेंगे। तो पोएट सिंपली यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग खाना बांटते हैं गरीबों को, जो लोग अच्छा करते हैं गरीबों के लिए, अपने बारे में ना सोचते हो, भगवान हमेशा उनको आशीर्वाद देने के लिए है और हमेशा साथ रहेंगे उन लोगों के। ओके, तो सिंपल यही था। न्यायत जे लड़ती रनी तलवार तू त्यांचा करी दियायत जे तमी चालती तू दीप त्यांचा अंतरी ज्ञानार्थ जे तप्ती मुनि होतोस त्यांची साधना। ओके, यहाँ तक मैं अब रीड कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में अगर हम देखें, पोएट कहता है कि भगवान उन तमाम सैनिकों के हथियारों में भी है जो बॉर्डर पर हम सबके लिए रक्षा करते हैं, और उन लोगों के दिलों में भी उजाला भर देता है जो अंधेरों से गुजरकर अपने सपना पूरा करने का सोचते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं पोएट कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो योगी योग करते हैं भगवान उनके साथ भी सदैव रहेंगे। करुणा करा करुणा तुझी अस्ता माला भई कोटले माघवरी पूर्ति सदा पाहिन मी तव पावले सृजनत्व या हृदयामध्ये नीत जागवी बीती विना। ओके, तो चलो, तो स्टूडेंट्स, आखिरी स्टैंजा में पोएट दयालु भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि उनको ज़िंदगी से कोई डर नहीं है, जब तक उनके साथ भगवान है वो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, और या उसके बाद वो कहते हैं कि वो हमेशा उनके शरण में रहेंगे, ये उनकी प्रार्थना है और हमेशा यही प्रार्थना उनकी रहेगी। सो या आई होप आप लोगों को ये पोयम या प्रेयर, जो भी कह सकते हो, आप समझ गए होंगे। सो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी हूँ गाइज @danzerfrank28, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट।
So thank you so much. Take care and God bless you all.